इसलिए किया है कि इमरान खान ने एक झूठा बयान हल्फी दिया गया। अब जिसको वो बयान हल्फी कह रहे हैं वो हकीकत उसकी है क्या, ये कानून के मुताबिक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर मौजूद है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने। चेयरमैन पार्टी का जो है उसने सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट नहीं देना, हलफनामा नहीं देना, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, यानी वो जो जमा कराई जा रही है इलेक्शन कमीशन के पास, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये इसको जरा फर्क करें हलफनामे से, जिस वक्त हम इलेक्शन लड़ते हैं फारूक हबीब को या असद उमर को या सरवर खान साहब को जाके अपने पेपर जमा कराने होते हैं तो इलेक्शन कमीशन में हम एक हलफनामा जमा कराते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारे असासों का गोशवारा है साथ, और मैं हलफ उठाता हूं कि इनके अलावा मेरे पास कोई असासा नहीं है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, क्योंकि हम अपने असासों की बात करते हैं। यहाँ पे चेयरमैन किसी भी पार्टी का हो वो अपने असासों की बात नहीं कर रहा, अपने आमदनी की बात नहीं कर रहा, वो पार्टी की आमदनी की और पार्टी के असासों की बात कर रहा है, जो मैंने आपको बताया सारी दुनिया में फैले हुए हजारों लोगों की तरफ से आ रहा है। और अल्फाज ये हमारे चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान के चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज कानून में है कि जहां तक मेरी मालूमात है और मेरा यकीन है ये दुरुस्त है इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ उसके अंदर लिखा होता है। उसको बुनियाद बना के इन्होंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से कोई खतरा पैदा करें कि ओहो इमरान खान ने पता नहीं क्या कह दिया, अब तो इमरान खान की जो है ना वो सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने वाला है ना। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की सियासत का कोई पहले खतरा था ना आइंदा खतरा है। अगर खतरा है इस वक्त तो इस पाकिस्तान के बुसीदा सियासी और हुक्मरानी के निज़ाम को है कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को बेख्तियार कर दिया गया है और पाकिस्तान के चंद खानदान ताकतवर तबके जो हैं वो चाहते हैं कि तमाम ताकत उनके हाथ में हो, अवाम के हाथ में कोई ताकत ना हो। मैं अब आखिर में सिर्फ ये कह के कि ये जो उन्होंने आज किया है ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम पार्टियों को बराबरी की बुनियाद पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। और इसी तरीके से इस्लामाबाद हाईकोर्ट हम गए थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डायरेक्शन इनको हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी केस आपने साथ चलाना है। तो आपसे हम मुतालबा नहीं कर रहे, पाकिस्तान की कौम मुतालबा कर रही है, वो कौम जिससे आप ये इख्तियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आज़ाद सियासी पार्टी हो जो सिर्फ अवाम की ताकत के ऊपर सियासत करे, वो अवाम आपसे पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन कहाँ है वो मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट, कहाँ है वो पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट, और उन रिपोर्टों के अंदर क्या क्या है ये मैं फारूक से बोलूँगा कि फारूक ज़रा सा थोड़ी तफसील बताएं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साहब ने आपको बड़ी तफसीलात बता दी, लेकिन अभी एक अनफॉर्चुनेट खबर भी इसी दौरान आई जो हेलीकॉप्टर क्रैश के हवाले से हमारे 6 अफसरान जो हैं वो रेस्क्यू जो बलूचिस्तान में आया उस दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो शहीद हो गए। तो तमाम पाक फ़ौज से और तमाम जो शहदा हैं उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ इजहार अफसोस भी है, अल्लाह ताला उनको सफरे जमील अता फरमाए। और जहाँ तक रहेगी बात इसमें क्विकली, क्योंकि जनरल सरफराज जो हैं कोर कमांडर जो थे सदन कमांड के, मैं उनके साथ ज़ाती तौर पर भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ, एक इंतहाई शानदार अफसर होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान, और जो चीज़ मेरे जहन में सबसे ज़्यादा उनकी चश्मा है पहली दफ़ा जब मैं मिला उसके बाद से जितनी भी मुलाकातें हुई, एक दर्द रखते थे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, और बहुत ही हमारे लिए अफसोस की बात है कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा अफसर, और बाकी जो हमारे सारे अफसर जो कौम की खिदमत के लिए निकले हुए थे वो जाँ बहक हुए, शहीद हुए। तो अल्लाह ताला सबको अपनी जन्नत में जगह मुकाम अता करे। जी जिस तरह साहब आपको बता रहे थे सारे केस के हवाले से कि जो जजमेंट्स नज़रअंदाज की गई हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2017 का फैसला हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला हो, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि कानून के मुताबिक आप पाबंद हैं कि आपने किसी सियासी जमात के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, आपने तमाम सियासी जमातों के बैंक के खातों के गोशवारों की जांच पड़ताल आपने करनी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ख़राब ना हो जाए,
मैंने हर मामले में जो है वो पीटीआई को आगे रखना है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो लाडलों जैसा सलूक करना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई की जो स्क्रूटनी कमेटियाँ हैं ये एक वक्त में बनी है, जो ये बार बार बात की जाती है जी आठ साल में चार साल तो ये स्क्रूटनी कमेटी ने ले लिए और ये इलेक्शन कमीशन के फैसले ने ले लिए, डेढ़ साल उसमें हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को लेकर गए, उस वजह से इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग्स नहीं होती रहीं। बाकी वक्त जो है जो हमारी कानूनी रेमेडीज़ थी जिसमें हमने पिटिशनर का लोकस स्टैंडाई चैलेंज किया हुआ था, क्योंकि ये तो स्क्रूटनी कमेटी में भी आया कि अकबर एस बाबर के पास किसी किस्म का कोई ऐसा क्रेडिबल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बतौर सबूत के पेश किया जा सके, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का आज तक जो है वो स्क्रूटनी कमेटी अपनी स्क्रूटनी मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा नहीं करवा सकी। और जब हमने उनका वो रिकॉर्ड देखा है जो स्टेट बैंक से भी इन्होंने मंगवाया है तो उसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। 36 करोड़ रुपये का ऐसा हिसाब है जो पीपल्स पार्टी बता ही नहीं सकी इलेक्शन कमीशन के सामने कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये पैसा जमा करवाने वाले कौन से लोग हैं। 66 करोड़ रुपया नून लीग नहीं बता सकी कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये 15 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ रुपये की रकम जो है वो किसने डाली है। उनसे ये सवाल पूछा तो उनके एक अकाउंटेंट है वो कहते हैं जी ये 5 करोड़ का चेक तो मियाँ साहब को एक गुजरांवाला के बंदे ने दिया था, वो तो फौत हो गया है, उसका नाम पूछा था फौत होने वाले का नाम उन्हें मालूम नहीं था। 5 करोड़ का चेक तो जो है वो शुजात अजीम ने दे दिया था, उसको मशीर हवाबाजी नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो लगा दिया था। और यहाँ पर ये कह देना कि पीटीआई यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, ये तो यूएसए का कानून है और हर 6 महीने बाद हम वहाँ पर अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं। और याद रखें कि 9/11 के बाद उन्होंने अपने कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए हैं, वहाँ पर कोई ऐसी फ़ंड रेजिंग नहीं हो सकती जिस फंड रेजिंग की बुनियाद जो है वो दुरुस्त। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी यूएसए में बतौर एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों से यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स पीपल्स पार्टी के केस में हमने साथ लगाए हुए हैं, वो मौजूद हैं, आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, मैंने आज अपनी ट्वीट में भी शेयर किया है। मुस्लिम लीग नवाज जो है इनके रोहेल डार जो हैं उनके दस्तखतों के साथ जो इनके फॉरेन के कोई प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, एक मियां फयाज हैं नून लीग के उनके नाम से यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है जो वहां पर ये अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और मार्क सीगल्स को पेमेंट्स होती रही हैं लॉबी करने के लिए, और मार्क सीगल आपको याद है मशहूर लॉबियस्ट है जिनको बीबी शहीद के जो केस में बतौर गवाही देने भी जो है वो पाकिस्तान आए थे, ये भी आपके इलम में होगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस सारे मामले के अंदर पीटीआई को सिंगल आउट किया गया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं की गई। तो मैंने तो इनको पहले भी चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन की तो बायसनेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, ये इनको चैलेंज करते हैं कि टॉप ऑडिटर्स ले आए आप, अपनी मर्जी के टॉप ऑडिटर्स इंटरनेशनल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ले आते हैं, पीटीआई के अकाउंट्स रख लेते हैं, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के रख लेते हैं और मीडिया पर लाइव कवरेज होगी, पता चल जाएगा कि किस जमात ने पाकिस्तान के अंदर सियासी फंड रेजिंग की जो है वो बुनियाद रखी है, किसके अकाउंट्स शफाफ हैं किसके नहीं हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की है, इम्तियाजी सलूक क्रिएट किया है, जो शफाफियत है जो उन्होंने काम इंसाफ से लेना था वो उन्होंने हरगिज़ जो है वो किसी सूरत नहीं लिया। और अजीब मजाक का केस बातें सामने आ रही हैं कि एक नासिर हुसैन जो हैं उनकी शादी जो है वो रुमेता शेठी के साथ हुई हुई है और वो और उनका अकाउंट मुश्तरका है, वो मुश्तरका तौर पे जॉइंटली पीटीआई को $27,000 डोनेशन दे देते हैं, तो रुमेता शेठी की जो फंडिंग है वो भारतीय फंडिंग बन जाती है। और इसी तरीके से जो जैन कॉटन मिल का मालिक मियां अख्तर जो कि पीर महल का रहने वाला है टोबा टैक्सिंग डिवीजन का, वो 10,000 रुपया डोनेशन देता है कोई 2011-12 के अंदर, पीटीआई का टिकट होल्डर भी है, उसको भी ममनुआ फंडिंग के अंदर डाल देते हैं। अभी मैं एक देख रहा था कि एक लड़का आसिफ है वो पेपाल के ऊपर $100 देता है पीटीआई को, अपनी फर्म की तरफ से उसके वहाँ से आ जाते हैं, वो भी फॉरेन फंडिंग की लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। तो आज मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये जितने इसकी तफसीलात सामने आती जा रही हैं इसमें बहुत सारी ऐसी मुजहका खेज चीज़ें सामने आती जा रही हैं, ना जिसका सर है ना जिसका कोई पाँव है।
अगर कोई ज़बरदस्ती से और कानून से हटके इस मामले को इस तरफ लेके जाना चाहता है कि ये इमरान खान की कोई सर्टिफिकेशन है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये इमरान खान के कुछ ज़ाती असासाजात का मामला नहीं है। ये ज़ाती उनकी कोई टैक्स रिटर्न का या वेल्थ स्टेटमेंट का मामला नहीं है। इमरान खान अपनी 40 साल कमाई का हिसाब सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं, 60 डॉक्यूमेंट्स के साथ दे चुके हैं। ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 13 के तहत एक सर्टिफिकेट जो असद उमर साहब ने आपको दिखाया वो जमा करवाते हैं, जो उनकी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के मुताबिक थी। लिहाजा जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है नून लीग का, उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई कि ये कोई हलफनामा था जो इमरान खान ने दिया था। हलफनामा किसी सूरत नहीं था, और इसको हम पूरी तरह जो है वो इसको जायज़ा भी ले रहे हैं, और हमारी कानूनी टीम भी इसके ऊपर काम कर रही है, और ये भी हम सामने लेकर आएंगे कि हमने इसको किस फोरम के ऊपर जो है वो चैलेंज करना है। ये मैं बता दूं कि ये इंशाल्लाह ताला कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटीशन करके चैलेंज भी कर देंगे।